चंद्रपुर में आज फिर कोरोना बाधित रोगियों की संख्या कम होती हुई दिखाई दी। साथ ही कोरोना से जंग लड़कर जीतने वालों की संख्या भी ज्यादा ही रही, परंतु कोरोना से मृत्यु होने वाले रोगियों की संख्या कम नहीं हो रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। आज बीते 24 घंटों में 1449 रोगी कोरोना से मुक्त हुए तथा 564 नए संक्रमित पाए गए और वही 23 रोगियों की दुखद मृत्यु हुई। चंद्रपुर जिले में आज बीते 24 घंटों में 564 कोरोना के रोग मिले और इस प्रकार चंद्रपुर जिले में अब कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर 78,139 हो चुकी है, जिसमें 67,675 रोग कोरोना मुक्त हो चुके हैं। वहीं आज बीते 24 घंटों में 1,449 रोग कोरोना मुक्त हुए तथा 23 रोगियों की दुखद मृत्यु हुई। वर्तमान में 9,189 रोगियों पर उपचार शुरू है। जिन रोगियों की आज दुखद मृत्यु हुई उसमें चंद्रपुर शहर के गजानन महाराज मंदिर चौक परिसर का 50 वर्षीय, 52 वर्षीय, 58 वर्षीय, 63 तथा 65 वर्षीय पुरुष के साथ 30 तथा 55 वर्षीय महिला का समावेश है। साथ ही पिंपल गांव की 50 वर्षीय महिला, दुर्गापुर का 71 वर्षीय पुरुष, छोटा नागपुर का 52 वर्षीय पुरुष, किटाड़ी की 55 वर्षीय महिला, बल्लारपुर तहसील के संतोषी माता वार्ड का 62 तथा 75 वर्षीय पुरुष, बोड़ा तहसील के बोड़ा का 72 वर्षीय पुरुष, 45 वर्षीय महिला, मूल तहसील वार्ड नंबर 15 की 72 वर्षीय महिला, 68 वर्षीय पुरुष, सावली तहसील का 55 वर्षीय पुरुष, सिद्धार्थ वार्ड का 62 वर्षीय पुरुष, ब्रह्मपुरी तहसील देलनवाड़ी का 88 वर्षीय पुरुष, चिंचोली का 75 वर्षीय पुरुष, यवतमाल जिले के मारेगांव 60 वर्षीय पुरुष, साथ ही झरी जामनी के 65 वर्षीय पुरुष का समावेश है। वहीं आज बीते 24 घंटों में जो 564 रुग्ण मिले हैं उसमें चंद्रपुर महानगर पालिका क्षेत्र के 183, चंद्रपुर तहसील के 22, बल्लारपुर के 90, भद्रावती के 33, कमपुरी के 15, नागपुर के 12, सिंधेवाई के 13, मूल के 24, सावली के 7, कोमुंडा के 7, गोंडपिपरी के 21, राजूरा के 31, चिमूर के 17, बोर्रा के 35, कोरपना के 40 तथा अन्य जगहों के 14 रुग्णों का समावेश है। चंद्रपुर जिले में कोरोना का संक्रमण अभी भी जारी है। वही नागरिक इस संबंध में सावधानी बरते, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और बाहर निकलते समय मास्क पहनकर अवश्य निकले। स्वास्थ्य संबंधी अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तुरंत इसकी जांच कराएं तथा जिला प्रशासन द्वारा जो भी उपाय योजना बताया जा रहा है उस पर अमल करें, क्योंकि यही समय की मांग है।